और बाद में भगवान द्वारिकाधीश ने कहा अर्जुन को कि इनके सारे बच्चे वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये घटना द्वारिका की है और द्वारिका अमृतपुरी है और यहाँ पर मृत्यु की व्यवस्था नहीं है, यहाँ अमृत की व्यवस्था। हम उनको वापस ले आएंगे। और भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन को साथ लेकर के गए कोई ऐसे स्थानों में, और जहां पर चलते 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 घने अंधकार में प्रवेश हुआ और जहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। भगवान को तो सब दिखता था लेकिन अंधकार छा गया था, जहां अर्जुन को तो भगवान भी नहीं दिखता था। अर्जुन को द्वारिका नाथ में अगर भगवान दिखता तो वो ऐसा कहने की गलती नहीं करता, लेकिन कई बार भगवत कृपा से कोई बड़ा काम हम सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद में हम खुद को भगवान से भी ऊपर रख देते हैं। ये गलती अर्जुन से हुई थी। युद्ध तो जीता था उसने, गांधीव का पराक्रम उसका पूरी दुनिया ने देखा था, लेकिन उसके भीतर गोविंद था। और अर्जुन ने समझ लिया ये अपना पराक्रम। अविवेक में व्यक्ति स्वयं को कर्ता समझ लेता है, विवेकवान व्यक्ति स्वयं को निमित्त समझता है, साधु खुद को निमित्त भी नहीं समझता, साधु तो केवल खुद को दृष्टा समझता है। ये भिन्न भिन्न अवस्था है, चार अवस्था होती है। अविवेक में व्यक्ति कोई भी काम को, अच्छे काम को करता खुद को ही समझता है, मैं जो चाहूं कर लूंगा, ये अविवेक है। विवेकवान व्यक्ति खुद को निमित्त कहेगा कि हम तो निमित्त हैं, लेकिन साधु खुद को निमित्त भी नहीं समझता। संत कोई काम करता है तो खुद को निमित्त भी नहीं समझता, वो तो समझता है कि हो रहा है हम देख रहे हैं, वो खुद को दृष्टा समझता है। और सेवक भाव से जब कोई, समर्पित भाव से जब कोई व्यक्ति बड़ा काम करता है तो वो सेवक भाव से करता है कि हम सेवा कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे, हम सेवकाई कर रहे हैं। जब जब भगवान हमारी स्मृति में से दूर होते हैं, वैसे तो दूर है नहीं, लेकिन स्मृति से जब भगवान दूर हो जाते हैं, तब तब कभी कभी हम छोटी सी सफलता को बड़ी भी मान लेते हैं और खुद की समझ लेते हैं, और ऐसे में हम स्वयं को भगवान से भी ऊपर रखते हैं।